वेलकम बैक टू माई चैनल दिस कुकिंग पैशन। आज हम केक तैयार करेंगे। ये बहुत ही इजी और बहुत ही कम चीज़ों में बनने वाली रेसिपी है, तो इसे हम बिस्किट से बनाएंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए शुरू करते हैं, इसे कैसे करके बनाते हैं। केक तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट लिया है। हम इसे पार्ले जी बिस्किट से बनाएंगे। तो इसके अंदर हम 4 पैकेट बिस्किट लिया है। पहले हम एक मिक्सिंग जार ले लेंगे। यहाँ पे हमने छोटा जार लिया है, आप चाहे तो बड़ा जार भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम बिस्किट को डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा बिस्किट डालेंगे और इसकी पाउडर तैयार कर लेंगे। बिस्किट हमने ले लिया है, अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसी तरह से हम सारे बिस्किट को पीस लेंगे और लास्ट में हम इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा कम चीनी डाला है, तो आप चाहे तो इसके अंदर और भी और थोड़ा चीनी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको हम मिक्स करके पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने पीस लिया है, ये भी हम इसके साथ मिक्स कर देंगे। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और एक पतला सा बैटर बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसकी एक पतला सा बैटर तैयार कर लिया है। ज़्यादा पतला होंगे, ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा और ज़्यादा पतला भी नहीं होगा। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून हम बेकिंग सोडा डालेंगे। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लिया है और ठीक इसी कंसिस्टेंसी में हम इसको रख देंगे। तो अब हम एक केक टिन लेंगे। केक टिन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल को हम चारों ओर ग्रीस कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच मैदा डालेंगे और फिर इसको हम अच्छे से मैदा इसके ऊपर डस्ट कर देंगे। तो ये देखिए मैदा हमने अच्छे से चारों ओर फैला दिया है। अब हम इसको टैप टैप करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा है वो निकल जाए। अब हम बैटर को इसके अंदर डाल देंगे। अब हम हल्का सा इसे टैप टैप करेंगे ताकि ये चारों ओर बैठ जाए अच्छे से। अब हम एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई को हमने अच्छे से पहले से गर्म कर लिया है। इसके अंदर हम एक स्टैंड रख दिया है। तो अब इसके ऊपर हम इस बैटर को रख देंगे और इसे हम ढक देंगे। ढककर हम इसे करीब 20 मिनट्स तक लो फ्लेम पे, एकदम लो फ्लेम पे, गैस की छोटी बर्नर पे हम इसको बिठा के बेक करेंगे। तो ये देखिए करीब 15 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए साइड से ये पक चुका है और बीच में से अभी भी नहीं पका है। तो इसे हम फिर से ढक देंगे और 10 मिनट के लिए फिर हम इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए करीब 10 मिनट हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम क्लीन चाकू आ रहा है। तो ये हो गया है, अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको निकाल के हम ठंडा कर लेंगे। फिर इसको हम ओपन करेंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा हुआ है और ये बहुत ही स्पॉन्जी भी हुआ है।
देख के कोई नहीं बोलेगा ये बिस्किट से तैयार है। तो हम इसे कट कर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है और कितना फ्लफी हुआ है। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना और कैसी हुआ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।